नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीओपी न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट की फटकार, कहा लगता है सरकार को नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश सरकार को सत्ता में 14 साल हो गए हों, लेकिन हर हफ्ते पटना उच्च न्यायालय ने उनकी सरकार को दो तीन विषयों पर फटकार जरूर लगाती है। उच्च न्यायालय ने अब राज्य में पुलिस महतलबे में रिक्त पदों को लेकर के नीतीश सरकार को फटकारा है। पटना उच्च न्यायालय ने करीबन 30,000 रिक्त पदों को भरने को कह रही है। देर पर चिंता जताते हुए कहा है कि लगता है कि सरकार को आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा की परवाह नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एसपी शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में हो रही थी। कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर कि आखिर इस पदों की भर्ती कब तक हो जाएगी, इस पर राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अगले 4 वर्षों में इस पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने इस आश्वासन पर कोर्ट के आपत्ति जताई है और पूछा है कि आखिर अगले 1 साल के अंदर ये सारे पद क्यों नहीं भरे जा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इस मामले में 13 अगस्त को उपस्थित होने को बारे में निर्देश दिया है कि आखिर इस पदों को भरने के लिए कम से कम इतना समय क्यों लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एयरटेल के इस प्लान में 3 महीने में फ्री में मिलेगा नेटफ्लिक्स। जी हाँ दोस्तों, जियो जीगा फाइबर की लॉन्चिंग डेट करीब आती जा रही है। उम्मीद है कि इसे 12 अगस्त को रिलायंस AGM के दौरान लॉन्च किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में जियो की आंधी पहले से ही है। अब जियो ब्रॉडबैंड सेक्टर में तूफान लाने की तैयारी में है। टेलीकॉम सेक्टर में केवल एयरटेल एकमात्र ऐसा कंपनी है जो जियो को बराबरी में टक्कर देती है। अब एयरटेल की ओर से जियो जीगा फाइबर के आने से पहले ब्रॉडबैंड सेक्टर में बाजार में मजबूती स्थिति के आने की कोशिश तेज कर रही है। एयरटेल थैंक्स के तहत ग्राहकों को 1 साल के लिए फ्री अमेजोन प्राइम मेंबरशिप, 3 महीने के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, 5G प्रीमियम और एयरटेल टीवी प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दिया जाता है। ऐसे में इन ऑफर का फायदा लोगों के ग्राहकों को एयरटेल के ब्रॉडबैंड पोर्टफोलियो में से 1,099 रुपए, 1,599 रुपए या फिर 1,999 रुपए वाले किसी एक प्लान को सिलेक्ट करने पर यह मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, 35A को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने गवर्नर से राज्य के बारे में चर्चा की है और हमें कुछ नहीं बताया जाता है। गवर्नर ने हमें बताया है कि अनुच्छेद 370 को लेकर के किसी ऐलान की तैयारी नहीं की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें राज्य में तैनात अफसरों से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर ने कहा है कि हम संसद में भारत सरकार की सुनना चाहते हैं कि वह जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को लेकर के मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 35A हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब अचानक श्रद्धालुओं के यहां से वापस जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोमवार को सदन में शुरुआत होते ही सरकार इस पर अपना पक्ष साफ करे। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है।